चाहे नौकरी की हो, चाहे किसानों के कार्यक्रम में युवाओं की शक्ति लगाने की हो, कि आज भी एक ऐसे वक्त हम यहाँ बैठे हैं कि भारत सरकार ने जो एक कानून बनाया है, ये कानून जैसे कि किसानों का जैसा कानून किया और इतना बड़े दिन आंदोलन यहाँ चला और फिर वापस लेने का वक्त आ गया उनको, तो ये जब नया कानून होता है, युवा शक्ति के लिए कानून होता है, तो युवा के सब संगठनों के साथ बात क्यों नहीं किया आपने? जब तक ये बातें नहीं होती, युवा को ये मान्य है या नहीं, इस तरह के आपके फाइल में रिकॉर्ड होता है, तभी ये निर्णय होना चाहिए। नहीं तो जैसे किसानों का कानून वापस ले लिया, उसी तरह ये भी कानून वापस लेना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि ये कानून को अभी ज़्यादा आप रोक के मत रखिए, क्योंकि देश का जो युवा है वो आज बिगड़ा हुआ है, कि जिस तरह से युवा शक्ति को आपने अपमानित किया है, उसके लिए युवा शक्ति और ज़ोर से काम पे लगेगी और उसी के साथ देने के लिए हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये कानून वापस ले लो, यही मैं विनती करता हूँ। अब मैं विनती करता हूँ हमारे बिहार के सांसद भाई अखिलेश सिंह जी को कि अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, कांग्रेस पार्टी के सभी मूर्धन्य नेता और साथीगण, ये जो नई समस्या लेके प्रधानमंत्री मोदी जी जो लेके आए हैं, मैं देख रहा था, मैं बिहार में था, और सबसे ज्यादा अगर उग्र आंदोलन कहीं हुआ है तो वो बिहार के धरती से हुआ है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, सब घरों में कैद हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके घरों पर पत्थर बरसाया जा रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लोग इस आंदोलन में नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के लोग इस आंदोलन में नहीं थे, ये स्वतः फूर्त आंदोलन है। और इस देश के युवा अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आप उनके भविष्य को आग में जलाने का काम कर रहे हैं, आप उनके भविष्य को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, अभी भी आप चेत जाइए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमेशा आपको आगाह करते रहे हैं, और प्रतिपक्ष की पार्टी होने के नाते अब भी हम लोग आपको आगाह करने आए हैं कि जिस तरह से कृषि के तीनों काला कानून आपको वापस लेना पड़ा, ये भी आपको वापस लेना पड़ेगा। और इस आग की लपट इतनी तेज फैल रही है कि इसी की आग की लपट में आपके सरकार की विदाई भी तय है, इसलिए समय रहते आप जागिए और इसको आप वापस लीजिए, ताकि इस देश के नौजवानों का भविष्य संवारा जा सके। कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी से उनके पीछे खड़ी है, आप वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन और उग्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करता हूं हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नेता डिसोजा जी से। धन्यवाद शक्ति जी। आज यहां पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी की पूरी नेतृत्व युवाओं के हित में, देश के भविष्य के हित में खड़े हैं। दुख की बात है
कि ये तानाशाही सरकार एक ऑपोजिशन को, एक विपक्ष को अपने आवाज उठाने से भी रोकती है, इसका ये मतलब है कि वो डरते हैं, वो डरते हैं सच्चाई से, वो डरते हैं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस के नेतृत्व से, प्रियंका गांधी जी से, और वो डरते हैं हर उस इंसान से जो उनकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं। आज देश के करोड़ों युवाओं जिनके मन में इच्छा थी कि वो फौज का, भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे, उन पे और उनके भविष्य पे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया है इस सरकार द्वारा। साथ ही साथ वो लाखों माताएं, बहनें जो आस लगा के बैठी है कि उनके भाई, उनके कोख से जन्मे बेटे देश के लिए अपना बलिदान दे, देश के फौज में भर्ती हो, आज उन माताओं के साथ, उन बहनों के उम्मीदों पे, उन माताओं के सपनों से खिलवाड़ करने का काम ये सरकार कर रही है। मैं इस मंच से केवल एक बात कहना चाहूंगी इस गूंगी बैरी सरकार से, और खास करके प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से, अब रंगा बिल्ला वाले हथकंडे बंद कर दे। वो इस देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी है, कृपया करके राजधर्म निभाइए। धन्यवाद। अब हमारे लड़ाकू युवा साथी NSUI के अध्यक्ष भाई नीरज कुंदन से मैं विनती करूंगा कि आए और अपनी बात रखे। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, साथियों, जिस तरीके से ये काले कानून किसानों के लिए लेकर आए थे और बिना किसानों के चर्चा करके लेकर आए थे, उसी तरीके से ये जो आर्मी भर्ती ये लेकर आए हैं बिना छात्रों युवाओं से चर्चा कर लेकर आए हैं, और ये सामने सामने दिखता है कि ये वर्तमान की जो सरकार है वो सत्ता के नशे में चूर है, वो गहरी नींद में सोई हुई है। साथियों, जब से ये सरकार आई है, एक एक कर ये हर एक सरकारी संसाधन जो है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर एक कहावत बोलना चाहूंगा कि जब से हम बचपन में थे, हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती थी, नलायक औलाद और लायक औलाद में क्या फर्क होता है। बस इतना सा अंतर बताया जाता था कि लायक औलाद जो होती है वो अपने मां बाप की बनाई हुई जायदाद को, जो जायदाद है उसे बढ़ाने का काम करती है, और नलायक औलाद जो है जो पूर्वजों ने, मां बाप ने जो जायदाद बनाई हो उसे बेचने का काम करती है। ये वर्तमान की सरकार उसी तरीके से नलायक औलाद की तरह काम करी है, जो जो 60-70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने बुनियाद खड़ी करी उन सबको बेचने का काम जो है वो आज ये वर्तमान की सरकार कर रही है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा साथियों, मैं इतना ही कहूंगा, आज इन्होंने ऐलान किया है कि 50,000 नौकरियां जो है हर साल देंगे, और सबसे पहला विरोध तो यह है कि उन साथियों को केवल 4 साल की नौकरी दी जाएगी। उसके बाद हमारे और आप लोगों के बीच में टॉकिंग पॉइंट्स फेंके दिए जाते हैं, खासकर मीडिया के बीच में। कल से यह बोला जा रहा है कि 10% जो आरक्षण है वो असम राइफल्स में जो है दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 1300 से ज्यादा नौकरियां असम राइफल्स में नहीं निकलती हैं, वो भी 1 या 2 सालों के बाद। आप 1300 का 10% करिए तो वो खींचकर 300 नौकरियां निकलती हैं। पुलिस भर्तियों में 10% का आरक्षण की बात करी जा रही है, जो सबसे पहले भर्तियां निकलती ही नहीं है, वो अगर निकलती भी है तो 2 या 3 साल के बाद 10,000 भर्तियां निकलेंगी। 10,000 भर्तियों का 10% जो है वो 1,000 निकाला जाएगा।
तो ये इस तरीके से मुझे और इस देश के युवाओं को जो है बुखलाना चाहते हैं। परंतु हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से पहले किसानों ने और अब इस देश का युवा और इस देश का जो छात्र है वो इनकी गहरी नींद में, जो सत्ता की गहरी नींद में ये सोए हैं, उस नींद से जगाने का काम ये लोग करेंगे, हमें पूरा यकीन है। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे युवा साथियों ने इतना बढ़िया काम किया, जहां सरकार ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकती थी वहां ऑक्सीजन पहुंचाया, और इस देश की जनता ने प्यार से जिसको ऑक्सीजन मैन का नाम दिया और मोदी को अच्छा नहीं लगा। और आपने वीडियो देखी होगी कि जिसने लोगों की जान बचाई ऐसे ऑक्सीजन मैन को बैक में दो चार पुलिस उठा के ले जा रही है और कोई पीछे से आके किक मारता है। ऐसे हमारे जाबाज युवा साथी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई श्रीनिवास से मैं विनती करता हूं कि आओ और अपनी बात रखो। थैंक यू सर। ये सरकार ने जो वादा किया था, वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था, अभी इन लोग ने क्या लाया है? नो पेंशन का स्कीम लाया है इन लोग ने। युवा को फुल टाइम जॉब नहीं है, पूरा टेंशन देने का काम किया है। ये एक तरीके से पूरा देश का युवा को, जो अग्निपथ जो इनका स्कीम है, देश का युवा को बर्बाद करने का काम ये सरकार ने जो साजिश कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं ये सरकार को, अमित शाह का बेटा जय शाह 50,000 लगा के 80 करोड़ कमाने का जो स्कीम है, देशवासी को वो स्कीम दे दे। हम सब लोग जो देश में जो आज सड़क पे उतरा है, जो वो लोग के लिए वो स्कीम दे, वो लोग भी 50,000 लगा के 80 करोड़ कमाने का काम करें। जो ये सरकार नहीं चला रहे है, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे है। जो भी रात में इन लोग ने डिसीजन करता है, अग्निपथ अग्निवीर जो भी इनके मन पे आएगा वो स्कीम लाएगा। मेरे को लगता है ये अग्निपथ नहीं है, ये आरएसएस का पथ है। जो आरएसएस लोगों को भरने के लिए जो 4 साल जो उनके लोगों को भरने के लिए जो स्कीम है, बचपन से युवा साथी लोग जो सपना देखता है मैं एक दिन इंडियन आर्मी में भरना है, इस देश के लिए सेवा करो, इस देश के लिए ऐसा समय आए, इस देश के लिए शहीद हो जाओ। बस इन लोग ने जो 4 साल का जो स्कीम है, 4 साल के बाद क्या करेगा भाई? आपके ऑफिस के कार्यालय के बाहर आके पकोड़ा तेलना है क्या? नहीं तो बड़े कंपनी में जाके वहां जाके बाउंसर काम करना है क्या? ये सरकार को आज तक इस देश को समझ नहीं पाया। जब जब राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी आवाज उठाए, जो ये सरकार ने बार बार राहुल गांधी जी जो ट्वीट लगाता है उस ट्वीट को लेके जो इन लोग ने सरकार चलाने का, अभी जब उनके गलती होता है उसके बाद राहुल जी का ट्वीट को देखने के लिए लगाए। जल्दी से जल्दी आप लोग ने जो काला कानून जो कृषि कानून लिया, जब तक इनको समझ में नहीं आया 700 किसान का शहीद हुआ, आप जल्दी से तब तक वेट मत करो, जल्दी से जल्दी इस काला कानून को स्कीम को वापस लो और वापस लेके देश का युवा को बचाने का काम करें। यही बातों से मेरा दो बात को विराम दे रहा हूं। उत्तराखंड के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की वो भूमि जहां से फौज में बहुत युवा जाते हैं, ऐसे हमारे सीनियर नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी से मैं विनती करता हूं कि आइए और अपनी बात रखिए। आदरणीय प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी, सभी हमारे साथीगण, आज हमारे इस सत्याग्रह पर देश के लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें टिकी हुई है। मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने देश को एक ऐसे अंधकार में धकेल दिया है जहां से देश को बाहर निकालना है। युवा आज बेचैन है,
युवा आज बहुत गुस्से में है और ये गुस्सा यदि अनियंत्रित हुआ तो ये देश के लिए बहुत घातक होगा। सरकार इस बात को समझ नहीं रही, वो केवल अपने नग्न पुलिस शक्ति के बल पर युवाओं को दबाना चाहती है। हम में से सब लोग इस बात के गवाह हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरों में हो, लगभग 3-4 वर्षों से लगातार नौजवान सेना में भर्ती होने की आकांक्षा लिए मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उनके माँ बाप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एक दिन आप अचानक निर्णय लेते हैं कि आपको सेना में भर्ती नहीं करेंगे, आपको अग्निपथ में भर्ती करेंगे। यह अग्निपथ है क्या, इसको युवा बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। युवा इस बात को भी समझ गया है कि इस अग्निपथ का मतलब है कि मेरे भविष्य को आगे के लिए आपने आग के हवाले कर दिया है, इसलिए युवा हर तरीके से इस समय संघर्ष में आमदा है। मैं जानता हूं जिस एरिया से हम लोग आते हैं, उत्तराखंड और दूसरे एरिया जितने भी हैं, आर्मी में भर्ती होना केवल नौकरी नहीं है, केवल रोजगार नहीं है, एक ट्रेडिशन भी, एक परंपरा भी। लोग दो दो तीन तीन पीढ़ियों से आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे फौजियों को जानता हूं जो रिटायर्ड होने से आने से पहले से अपने बेटे को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार करने का काम करते हैं। आज उस एक्स फौजी जिसने अपने बेटे को अपनी जगह पर सिपाही बना करके देश को देने की कल्पना की है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उसको मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को फौजी नहीं बल्कि उसको अग्निवीर कहा जाएगा, ये अग्निवीर होगा क्या? अरे जो व्यक्ति सीने पर गोली खाने और दुश्मन के सीने पर गोली उतारने की कल्पना लेकर के फौज में भर्ती हो रहा है, उसको आप क्या 12 लाख रुपया दे करके उसका अपमान कर रहे हो? नहीं कर रहे। 12 लाख रुपया क्या जिस ट्रेडिशन को, जिस परंपरा को वो व्यक्ति निभाना चाहता, वो नौजवान निभाना चाहता है, भारत की सेना में भर्ती होकर के एक सैनिक होने का गौरव हासिल करना चाहता है, उसको आप 12 लाख के बल पर खरीद देना चाहते हो? और हम लोग यहाँ पर सब लोगों के एरिया से अलग अलग रेजिमेंट्स हैं और हर रेजिमेंट की का एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, एक वार क्राई है जिसके आधार पर वो दुश्मन से जूझ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, चाहे वो कुमाऊं रेजिमेंट हो, चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे जाट रेजिमेंट हो, चाहे डोगरा रेजिमेंट हो, हर रेजिमेंट का एक वीरता का इतिहास है। आप उस वीरता के इतिहास को खत्म कर देना चाहते हैं? आप जो रेजिमेंट की एक परंपराएं हैं उन परंपराओं को ध्वस्त कर देना चाहते हैं? इसलिए आप जितने हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके जो कहीं कहीं से विचारधारा से प्रेरित हैं, जो स्वतंत्र विचारों के हैं, वो सारे लोग इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इससे हमारी आर्मी का स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा और इससे हमारी आर्मी की जो कॉम्बैट की ताकत है, लड़ने की ताकत है, उन ताकत पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बिना आकलन किए आपने इस तरीके का निर्णय ले लिया, हम इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं। और मैं पार्टी लीडरशिप से अनुरोध करना चाहूँगा, आज आपके इस सत्याग्रह ने एक रास्ता दिखाया है, इस सत्याग्रह की परंपरा को हमको आगे लेकर के चलना है। हमारे देश के अंदर हजारों ऐसे शौर्य स्थल हैं, वीरता के स्थल हैं, जहां वीरों के प्रतीक लगे हुए हैं, जहां पर शिलालेख लगे हुए हैं, हमको उन सब पर एक कार्यक्रम बना करके इस तरीके का सत्याग्रह प्रारंभ करना चाहिए ताकि हमारी सत्याग्रह की परंपरा तब तक जारी रहे जब तक मोदी सरकार झुकती नहीं है, और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और कांग्रेस और इस देश का नौजवान और यहाँ का प्रबुद्ध जनमानस इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बिहार के प्रभारी आदरणीय भक्त चरणदास जी को कि आइए और अपनी बात रखिए। बिहार वो प्रांत है जहाँ के जवानों ने चाइना बॉर्डर पर 20-20 एक साथ शहीद हुए थे,
उसी प्रांत के प्रभारी भक्त चरण दास जी। आदरणीय सम्मानित मंच साथियों, साथियों मैं दो तीन दिन बिहार में रह के आया हूं। बिहार में लगभग हर जिले में आज बहुत भयानक स्थिति पैदा हो गई और तमाम देश में भी आज ये स्थिति है। ये सत्याग्रह इसलिए है कि आज के दिन हमने हमारे नेता के निर्देश से राहुल जी का जन्मदिन नहीं मना के हम लोग ये सत्याग्रह पे नौजवानों को अपील कर रहे हैं और सरकार को अपील कर रहे हैं। सरकार को अपील इसलिए कर रहे हैं कि बहुत हो गया, आपने बहुत धैर्य खोने का काम किया है। 2 करोड़ जब से लेकर के आज तक नौजवान देखते रहे, चाहते रहे कि कहीं मोदी जी हमारे लिए योजना लेके आए और हमको रोजगार मिल जाए। रोजगार मिलने का तो दूर की बात, रोजगार सब लुप्त होके गए हैं। आज सरकार में हमारे अजय माखन जी बता रहे थे 62 लाख जॉब खाली है, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है और इंटरव्यू हुआ है तो भी रिजल्ट नहीं निकला है। कितना धैर्य रखेंगे नौजवान? देश के नौजवान अपना धैर्य खो चुके हैं। सीमा से जब ऊपर उठ गया तो स्वतः आज क्रांति के लिए उतर आए हैं और भी हिंसक तरीके पे उतर आए हैं। अगर सरकार अभी नियंत्रण नहीं करेगा तो सिविल वॉर की तरह ये स्प्रेड हो सकता है। इसलिए आज जरूरत है कि नौजवानों का जरूरत है कि इस आंदोलन को नियंत्रित करें। हम इस सत्याग्रह से अपील करते हैं कि आप किसान जिस तरह से अहिंसा के मार्ग पर जाके अपना मांग पूरा किए, उसी तरह से आप अहिंसा के मार्ग पर लाखों नौजवान हर राज्यों में सड़क पे आ जाएंगे अहिंसात्मक तरीके से, तो बाध्य होकर सरकार अपना अग्निपथ का जो योजना है, जो गलत योजना है, उसको वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए। ये दोनों बात हम इस सत्याग्रह के जरिए आज आपको, देशवासियों को और नौजवानों को, सरकार को हम अपील कर रहे हैं। दोस्तों, ये अग्निपथ कोई प्रेरणादायक चीज नहीं है, उत्साहजनक चीज नहीं है। ये बीजेपी का, मोदी सरकार का अरेंजमेंट है। सोशल मीडिया में जहां तक मुझे जानकारी है, सोशल मीडिया में 4.5 लाख लोग, नौजवान काम करते हैं बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, और रोज मोदी मोदी जी करते हैं। और उन लोगों को पैसा कहां से मिलता है? किसी को 20,000, किसी को 30,000, 40,000 मिलता है। वो भारत सरकार का जितना मिनिस्ट्री से एनजीओ लोगों को जितना पैसा जाता है, वो पैसा से उनको सैलरी मिलता है। आज वो मिनिस्ट्री पैसा देने की स्थिति में नहीं रहा। देश के आर्थिक पतन के साथ साथ आज उनका भी सैलरी देने का स्थिति उनका नहीं है। इसीलिए ये योजना केवल मोदी जी अपने को राजनीतिक तरीके से जिंदा रखने के लिए, अपनी पार्टी का मंशा जो है, जो कैडर है उनका, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये योजना लाए हैं, और ताकि सरकारी पैसा से उनका सोशल मीडिया चलता रहे और देश में नौजवान गुमराह हो। ये देश में नौजवानों को गुलाम बना जा रहा है, उनकी गुण गाने के लिए देश के नौजवानों को गुलाम बनाया जा रहा है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि देश के नौजवान अपने सच्चाई के रास्ते पर चल के सत्य के मार्ग पे आप सत्याग्रह करें। इस तरह से बैठे रहे लाखों की संख्या में सड़क पर और चौराहे पे आए, आपकी मांग जरूर पूरा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे सेवा दल के अध्यक्ष भाई लालजी भाई को कि आइए, और सेवा दल ने सेवा भी की है, लड़ाई भी लड़ी है, अपनी बात रखिए। धन्यवाद सन्मान्य प्रियंका जी, महासचिव सन्मान्य वेणुगोपाल जी और सभी मंचस्थ साथियों। मैं अपनी बात कुछ नारों से रखना चाहता था, क्योंकि गुजरात में करीबन 32 साल से संघी शासकों को देखा है। वहां पे उनकी जो एक मॉडल है, जिनको गुजरात मॉडल कहते हैं, हम लोग उसको मोदानी मॉडल कहते हैं, जहां पर मोदी, अदानी और अंबानी मिलकर एक मॉडल बनता है, उसका नाम मोदानी मॉडल है। जो हर चीज को कैसे बेचना, गरीबों से कैसे खींचना और अमीरों से कैसे सींचना, ये इनका सोच है, और उसी को लेकर कुछ नारे हैं। पहले नारे कहूंगा और थोड़ा बहुत फिर इसको मैं चाहूंगा कि
कुछ हकीकतें आपके सामने रखूंगा। ये अग्निपथ जो है वो क्या है, ना सुरक्षा ना पेंशन है, अग्निपथ एक टेंशन है। ना सुरक्षा ना पेंशन है, अग्निपथ एक टेंशन है। पूरे देश में आज टेंशन है, युवा के मन में टेंशन है। एक और जो नारा है इन्हीं के साथ, ये सवाल इनको ये उठता है कि इनको अपनों से क्या दुश्मनी है। ये जो नारा है, क्या दुश्मनी है अपनों से, क्यों खेल रहे हो सपनों से? क्या दुश्मनी है अपनों से, क्यों खेल रहे हो सपनों से? ये भारत के युवाओं के सपनों के साथ खेल रहे हैं, जैसे लगता है कि वो दुश्मनी अपनों से है। कहीं और भड़ास निकालते चाइना और पाकिस्तान में तो कोई बात नहीं, पर अपने भारतवासियों के सामने ये जिस प्रकार से आज खेलते हैं। एक और नारा है, जिनको जेलों में होना चाहिए वो आज महलों में है, जिनको जेलों में होना चाहिए वो आज महलों में है। और इसी के संदर्भ में, और आप सब जानते हैं, जो देश में कभी तड़ीपार हुआ करते थे वो आज पूरा का पूरा देश को संभालने का, और देश को देखते हैं तो क्या हाल होगा, बहुत ही स्वाभाविक है। तो मैं उसको मैं कहना चाहूंगा, महलों में दंगाई है और सड़कों पे सिपाही है। महलों में दंगाई है और सड़कों पे सिपाही है। हमारे देश के आने वाला जो भविष्य के सिपाही, और वो और बेशुमार महंगाई है, वो महंगाई की मार से तो पूरा का पूरा, और उसके लिए तो एक नारा है दीपेंद्र जी, वो कहते हैं कि मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। और जिस प्रकार की आग, और वो आग राशन से चलती हुई आज देश की हर ट्रेनों में, कहीं कहीं पुलिस थानों में, भाजपा के डेप्यूटी सीएम के घर तक वो आग पहुंची है। तो ये जो आग लगाने का उनका बहुत पुराना जो एक्सपीरियंस है, संघियों को जो ट्रेनिंग मिलता है, वो आग आज पूरे देश में लगी है। एक और जो नारा है कि अग्निपथ है क्या, अग्निपथ एक झांसा है, युवाओं का फांसा है। अग्निपथ एक झांसा है, युवाओं का फांसा है। लगता है युवाओं को कि किस तरीके से उनको फंसाया जाता है। हर युवा जो है वो आज परेशान है कि उनकी जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साथियों, हर कोई सोचता है कभी देश के भले के लिए हो, कभी देश के भले के लिए हो तो हम व्यक्तिगत कुर्बानी देने में कोई दिक्कत नहीं, पर जहां देश का भी भला ना हो और युवा का भी भला ना हो। और इसीलिए ये कहते हैं कि क्या है अग्निपथ, तो अग्निपथ है, अग्निपथ एक झांसा है, युवाओं का फांसा है। तो अब करना क्या चाहिए, अब करना यह है, सब लड़ेंगे लो शपथ, षड्यंत्र है अग्निपथ, सब लड़ेंगे लो शपथ, षड्यंत्र है अग्निपथ, देश खाता है शपथ, नहीं चलेंगे अग्निपथ। तो ये अग्निपथ के खिलाफ ये देश भर में जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक साथी ने भेजा है नारा, ये तो कल रात को बनाए थे, पर एक साथी ने भेजा है, सरहद पर तैनात सैनिक बनकर देश की ढाल, अग्निपथ योजना लाकर कर दिया इन्हें बेहाल। हमारी पूरी की पूरी सेना को और सेना के सिस्टम को बेहाल करने का जो ये षड्यंत्र है, और उसी के खिलाफ की आज देश के युवा भी लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस उसको समर्थन कर रहा है। मैं दो जो बात है वो कह के मेरी बात को खत्म करूंगा, नारा बोलना था तो बोला। सोच में फर्क है, कांग्रेस की सोच है आजादी का जंग लड़ना था, लड़े, देश को आजाद करवाया, देश की रचना निर्माण का काम करना था, निर्माण का काम। इनका सोच का काम है वो मिटाने का है, इनकी जो सोच है वो मिटाने की है, विध्वंसकारी है। नाम बदल देना, योजना बदल देना, सिस्टम को खत्म कर देना, आज वो वहां तक पहुंचे कि पूरी की पूरी देश की जो सेना का जो सिस्टम था, उस सेना के सिस्टम में भी उन्होंने आज आग लगा दी है। और इसीलिए इसको कहते हैं, मैं लास्ट में अपनी बात को कहता हुआ इतना ही कहूंगा कि आज देश में क्या है, आज देश में एक सत्ता का नशा है, सत्ता का नशा, न नरेंद्र भाई का है और शाहजी का है, न और शाह मिलकर ये सत्ता का जो नशा बना है वो बड़ा खतरनाक है। और इसीलिए कहते हैं कि ना राशन है ना शासन है, आज देश में दुशासन है। आप सबका धन्यवाद, जय हिंद साथियों। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे सीनियर नेता जनाब सलमान खुर्शीद साहब को आइए
और अपनी बात यहां पर रखी है। श्री ने आने देंगे। आदरणीय प्रियंका जी, सम्मानित मंच, आज हमारे सारे साथी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे तो मेरे मन में एक बात उठी। हम कई साथी यहाँ से उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में संघर्ष की राह आपने हमें दिखाई, आपने हमें आगे बढ़ाया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए कई बार मौका मिला मऊ जाने का, और मऊ में शहीद हवलदार अब्दुल हमीद के घर जाने का मौका मिला। कभी कभी मन में ये बात आती है कि ये जो सरकार खिलवाड़ कर रही है हमारे सम्मान से, हमारी सेना के सम्मान से जो खिलवाड़ कर रही है हमारे नौजवानों की उम्मीदों से, तो क्या अब आने वाले युग में हम फिर ये आशा नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये विश्वास नहीं रख सकते कि नौजवान हवलदार अब्दुल हमीद के पथ पर चलेंगे? अग्नि पथ पर चलकर क्या हवलदार अब्दुल हमीद के पथ पर पहुंच पाएंगे जो हवलदार अब्दुल हमीद ने इस देश को आदर्श दिए, जो हमको उन्होंने प्रेरित किया? क्या वो एक बार फिर नौजवान हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे देश के, हमारे भारत के उसको पा पाएंगे? सवाल दो हैं, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल हमारे नौजवानों के भविष्य का है। प्रियंका जी, आपने, माननीय सोनिया जी ने बार बार निवेदन किया है, अपील की है नौजवानों से कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और इसलिए उत्तेजित होकर हिंसा का सहारा नहीं लेना, उनको तो एक बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचना है, भारत के फौज का यूनिफॉर्म पहनना। मैं समझता हूं कि हमारे सम्मान में, हमारे समाज में और हमारे देश में इससे बड़ा सम्मान और कोई हो नहीं सकता। जिन नौजवानों को एक दिन भारत की फौज का यूनिफॉर्म पहनना है, उन नौजवानों से आपने निवेदन किया, सोनिया जी ने निवेदन किया कि अभी हिंसा का साथ नहीं लेना, तुम्हारे साथ हजारों हजार लाखों लोग खड़े हैं, और एक दिन वो आएगा जब सम्मान के साथ, तालियों के साथ, गिड़गड़ाती हुई तालियों के साथ हम आपका स्वागत करेंगे और आपको भारतीय फौज में हम देख पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और इस सवाल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समर्थन आपको रहेगा और हम इसके लिए अथक प्रयास करेंगे। लेकिन एक सवाल दूसरा है, दूसरा सवाल एक कल्पना का है, इसका भी उल्लेख हुआ यहाँ, भारत की सेना की एक कल्पना है, एक परंपराएं हैं, उन परंपराओं का सम्मान हम नहीं करेंगे, उन कल्पनाओं का हम सम्मान नहीं करेंगे जो भारत की सेना को, जो हमने समझा है, जाना है, और भारत की सेना की जो सेवाएं रही हैं इस देश के लिए, उनको हम खो बैठेंगे। हम सेना को जो समझते हैं, जानते हैं, वो हम खो बैठेंगे, और इसलिए आज ये खिलवाड़ भारत की अस्मिता के साथ है, ये भारत की सोल के साथ है, ये भारत की आत्मा के साथ नहीं, ये सिर्फ कोई नौजवानों के साथ नहीं, बल्कि भारत की अंदरूनी आत्मा के नाम है, ये भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ है, और इसलिए ये हमारा विश्वास और ये हमारा संकल्प कि हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हम हर बलिदान और कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे कि जिस कुर्बानी ने इस देश को बनाया है, जिस कुर्बानी ने इस देश को सुरक्षित रखा है, जिस कुर्बानी ने हमको आगे विश्व में एक सम्मान दिलवाया है, एक जगह दिलवाई है, उस कुर्बानी को हम नहीं भूल सकते, हम हवलदार अब्दुल हमीद को नहीं भूल सकते, हम उन सभी लोगों को, लेफ्टिनेंट बत्रा को, हनीफुद्दीन को, उन सभी शहीदों को नहीं भूल सकते जिन्होंने भारत को भारत की पहचान दिलाई है, जिन्होंने सुरक्षा हमको दिलाई है, जिन्होंने हमको आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाई है। और आज इस संकल्प को लेते हुए, सत्याग्रह की इस बात को आगे बढ़ाते हुए, हमें गर्व है कि किसी और पार्टी से पहले कांग्रेस पार्टी निकलकर
सत्याग्रह की राह पर चली है, तुम्हारा अग्निपथ की राह है, हमारी सत्याग्रह की राह है, हमारी अग्नि पवित्र है, तुम्हारी अग्नि पवित्र नहीं, और इसलिए आज पवित्र अग्नि की आज हम पुकार देते हुए, आज नारा देते हुए सत्याग्रह की राह पर चलेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि कभी ये गांधीयन पथ, कभी भी सत्याग्रह किसी के सामने झुका नहीं है और ना कभी झुकेगा, ये है हमारा विश्वास, हम होंगे कामयाब। जय हिंद। थैंक यू सलमान भाई। आपने दो दिन पहले देखा होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, महिला सम्मान तो भाजपा से कभी उम्मीद नहीं हो सकती है, क्योंकि अग्नि की साक्षी पे शपथ लेने के बाद भी जो एक महिला को वफादार ना रहा हो वो महिला का सम्मान क्या जानता है। हम उस वीडियो वायरल हुई थी हमारी सांसद जेबी माथुर जी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसकी बहुत वीडियो वायरल हुई, काफी इंजरीज पहुंची पर फिर भी वो लड़ती रही। मैं अनुरोध करता हूं हमारी सांसद जेबी माथुर को आइए और संबोधित कीजिए। Respected leaders and fellow Indians across India who believes in democracy. India is burning, but Mr. Modi and Modi's government is sleeping. The youth is furious, but Mr. Modi and Modi's government is sleeping. Students are on the streets, but Mr. Modi and Modi's government is sleeping. But as a responsible opposition, opposition cannot sleep. Indian National Congress cannot sleep. Rahul Gandhi cannot sleep. Priyanka Gandhi cannot sleep. All leaders of the opposition cannot sleep. Because we have the responsibility to see, to hear the pain and suffering of the youth and students of this country. Modi government wants to convert students to mere rabbits. They want to show carrot to students and youth and say, here we are giving you Agnipath. But they do not realize that the students and youth of this nation, they understand what is good for the country and what is good for the youth. Unfortunately, the youth, the those who govern us do not understand. Agnipath has brought, made the country burn, and there is no call from any leader or any opposition leader, or we are not trying to make this a big issue. It is a natural volcano which is erupting in this country, a natural process, a natural revolution, because the youth of the country is snatched away from the right to even dream. They cannot dream because their biggest dream is of employment. A government, a leader who came to power promising 2 crore jobs a year, and when there's an election which is going to come up in 2024, they have come up with another jumla saying that we are going to give Agnipath jobs. But they understand, yet the youth understand, that this is only to fool the youth and only to, and the most importantly, we have lot of respect towards Army, Navy, Air Force and Defence. But the way this government has converted is like made it into a joke. We say in one voice, opposition says in one voice, Agnipath vapas lo, Modi ji, Agnipath vapas lo. I want to quote Pandit Jawaharlal Nehru's one line which he said in United Nations. Without dreams, without peace, all other dreams are reduced to ashes. Our country has reached a point where there is no peace and there is no dream. But Indian National Congress will continue to fight
till this is repealed. Thank you, Jim. अब मैं विनती करता हूं हमारे एक ऐसे साथी को जिन्होंने संसद में भाजपा को आईना दिखा दिया था कश्मीरी पंडितों के बारे में, जो हवाबाजी भाजपा करती है उसको एक आईना दिखाया दिया था, ऐसे हमारे कश्मीरी पंडित हमारे सांसद आइए भैया आदरणीय तनखा जी से मैं विनती करता हूं, विवेक तनखा जी से, कि वो जनरली विवेक से बात करते हैं, पर जो पार्लियामेंट में जब वो कश्मीरी पंडितों की आवाज बने थे आज यहां पर भी अग्निपथ पे अपनी बात रखे। धन्यवाद शक्ति भाई, मुझे आपने ये चंद मिनटों का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। हमारा परिवार या तो प्रोफेशन में था या आर्मी में था या है। परिवार से लोग आर्मी चीफ के पद तक में भी रहे हैं, तो इसलिए जब कभी भी मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं आर्मी वालों से बात करता हूं, कश्मीर की वादियों में भी, सिक्किम में भी, भूटान में भी। जब बॉर्डर एरिया में जाता हूं तो मैं लोगों से बात करता हूं। और मुझे कौन मिलते थे? रीवा का सैनिक, भिंड का सैनिक, मुरैना का सैनिक, यूपी का सैनिक, बिहार का सैनिक। जब उनसे मैं बात करता था तो मुझे समझ आता था कि भारत के कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, कम से कम 7-8 प्रांतों में, जहां सैनिक बनना एक सपना है। बचपन से वो दौड़ लगाते हैं, उठा बैठक करते हैं और अपने आप को सैनिक बनने की तैयारी करते हैं। मैं कैंटोनमेंट एरिया से आया हूं, जबलपुर, और वो पूरे क्षेत्र में जब रिक्रूटमेंट होता है तो हजारों की संख्या में ट्रेनों में भर भर के, छतों में बैठ बैठ के बच्चे रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं। और वो भीड़ देख के आपको आश्चर्य होगा कि लोगों की किस प्रकार की मंशा या आकांक्षा है सैनिक बनने की। आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया जो पूरे डिफेंस रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करता है, और आपने किसी से पूछा नहीं। आपने हो सकता है कि चंद अफसरों के साथ डिस्कशन किया होगा, मुझे नहीं लगता कि फौज में कोई ऐसी डिबेट थी या कोई फौज में ऐसी कोई आपस में बातचीत हुई होगी बहुत बड़ी बड़े स्तर पे। आपने पब्लिक से नहीं बात की, आपने पार्लियामेंट में यह बात नहीं रखी। हो सकता कि अगर आप ये बातें पार्लियामेंट में रखते तो ये चीजें आपके सामने आती। तो जब फार्म लॉ आया था तब मोदी जी से मैंने एक ही चीज बोली थी, मोदी जी या तो पार्लियामेंट में डिस्कशन कर लीजिए या सड़कों पे कर लीजिए, अगर आप पार्लियामेंट में नहीं करोगे तो आपको सड़कों में करना पड़ेगा। तो आज बहुत ही दुखद बात है, ये नेशनल डिफेंस की बात है। और जब मैं देखता हूं कि युवा के सपने चुकना चूर हो रहे हैं, तो युवा के पास दूसरा कोई वेपन नहीं है, वो खाली सड़क पे ही आएगा। ये जो बच्चे सड़क पे आए ये प्रायोजित नहीं था, इनको किसी ने कुछ नहीं बोला था, इनके जब सपने टूटे तो ये सड़क पे आ गए। अब आप छोटी छोटी अमेंडमेंट्स करके इनके सपनों को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि ये 16 साल 20 साल की नौकरी चाहते हैं। वो 16 साल और 20 साल की नौकरी, उसके बाद पेंशन, फिर उसके बाद जो नौकरियां उनको प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में मिलती हैं, वो एक 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 स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर है। आपने वो प्रोसीजर खत्म कर दिया, 4 साल के बाद उनको नौकरी देगा क्या वो, तो क्या क्या उम्र होगी। तो मुझे तो वो भी बात, वो तो मेरे को तो वो दिन याद है जब दिग्विजय जी मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोग सबके कहने से एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया था, 5% 10% कोटा कई जगहों पे आरक्षण में मध्य प्रदेश में दिया गया था। और आज भाजपा सरकार ने वो कोटा भी खत्म कर दिया है और एक्स सर्विसमैन आज कोर्ट में है, हाईकोर्ट में है।
तो मेरा तो ये कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोच नहीं सकते, ना सोच है, ये तो बिजनेसमैन है, इनको बिजनेस करना आता है। देखिए बिजनेस एक अलग फील्ड होती है, नेशनल सिक्योरिटी एक अलग फील्ड होती है, और इंटेलेक्चुअल पढ़ाई लिखाई की बात अलग अलग होती है। तो मेरा तो मोदी जी से आग्रह है, बिजनेस की बात छोड़िए, इस पॉलिसी को पॉज करिए, इसको रोकिए, नहीं तो जैसे फार्म लॉ में लेकर आपको मुक्की खानी पड़ी और आपको वापस देना पड़ा, यही चीज फिर होगी। मगर इसमें अंतर खाली ये है, तब 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 कृषक लोग आपसे नाराज थे, अब पूरे देश का युवक आपसे नाराज हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। जिन्होंने फौज में बहुत लंबे अरसे तक सेवा दी, ऐसे हमारे साथी कैप्टन डावर जी से मैं विनती करता हूं कि आइए, आपने वो फौज का जज्बा देखा है और अग्निपथ कैसे निकम्मा है वो आपसे ज्यादा और कौन कह सकता है। सम्मान्य प्रियंका जी, मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, मैं कांग्रेस पार्टी में 40 साल से ज्यादा रह चुका हूं और लोग भूल चुके हैं कि मैं शायद फौज में भी था। अभी जब शक्ति सिंह जी को पता लगा तो उन्होंने 2 मिनट लिए मुझे कहने में कि आप भी बोलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने आपको आश्वासन दिया है, मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। हमारे जो फौजी भाई हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं। ये मेरा जो मोबाइल है इसमें कम से कम 5000 फौजी अफसर वेटरन जो हैं इसके ऊपर हैं। अब एक व्हाट्सएप आया परसों, उसकी मैं केवल 2 लाइनें पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, ये जनरल नरवाने जो पिछले आर्मी चीफ थे, मनोज पांडे से पहले जो आर्मी चीफ थे, उनके ही यूनिट के एक ऑफिसर का ये आया है व्हाट्सएप। उसमें 2 लाइनें ये हैं, दैट जनरल नरवाने हु हैपन्स टू बी फ्रॉम माय बटालियन गेव रिकमेंडेशन टू दी रक्षा मंत्री अगेंस्ट डिस्ट्रॉइंग रेजिमेंटेशन एंड प्रेजेंट क्लास कॉम्पोजिशन ऑफ इन्फेंट्री यूनिट्स। ये मंजूर नहीं किया गया और ये बहुत बड़ा कारण बन गया कि जनरल नरवाने को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाया गया। आज 7 महीने हो गए हैं और ये पोस्ट खाली पड़ी है, ये कितनी शर्म की बात है। 70 साल के बाद आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, आज 7 महीने से वही पोस्ट जो है वो खाली है। आप पिछले 3 दिन के सारे अखबार पढ़ लीजिए, 80% जो आर्टिकल्स हैं वो विरोध कर रहे हैं अग्निपथ का, और 10-15% जो है वो इसके फेवर में है। मेरे बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल है, उनका भी हिंदुस्तान टाइम्स में कल आर्टिकल आया। मैं आदर करता हूं जो इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी से केवल मेरा एक ही निवेदन है कि आप इस स्कीम को जो है 2024 तक टाल दीजिए, और जो सरकार 2024 में आएगी उसको निर्णय करने दीजिए। मेरा आपसे ये अनुरोध है। बात है पेंशन की, जो पेंशन की आप कमी की बात करा रहे हैं उसको तो 15 साल लगेंगे। एक फौजी ऑफिसर को 20 साल लगते हैं पेंशन के लिए, एक जवान को 15 साल लगते हैं पेंशन मिलने में। तो पेंशन बिल यदि कम होगा तो 15 साल लग जाएंगे। तो मोदी जी 15 साल के बाद तो ना आप रहेंगे, ना आरएसएस का नामो निशान रहेगा। इसलिए देश हित में आप इस स्कीम को जो है कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ढीठ आदमी हैं। आप इसको जो है 2024 तक स्थगित कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सांसद ट्राइबल नेता आदरणीय भाई सप्तगिरी जी से मैं विनती करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय प्रियंका जी,
उपस्थित सारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, प्रेस के मेरे भाइयों बहनों, 2019 में जब मैं चुन के लोकसभा गया, उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कि एक के बाद एक क्या हो रहा है। पहले अमित शाह जी आए, कश्मीर को तोड़ के दो यूनियन टेरिटरी कर दिए, फिर कुछ महीनों के बाद CAA NRC लेके आए। और मुझे अभी भी याद है जब अमित शाह जी ने ये चैलेंज करके हम लोग को बोला कि क्रोनोलॉजी समझो, फिर लेबर कोड्स लेके आए, फिर किसानों का काला कानून लेके आए, 700 से ज्यादा किसानों के सैक्रिफाइस के बाद उनको मजबूरन लौटाना पड़ा, वो कानून वापस लेना पड़ा। अभी अग्निपथ स्कीम लेके आए, मुझे समझ में नहीं आता मोदी जी एक के बाद एक क्यों ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जिसको जनता विरोध करती आ रही है। एंड ये 2019 के बाद नहीं है, उससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन लेके आए थे, GST लेके आए थे, कोरोना का वो लॉकडाउन। एक ही बात समझ में आता है कि मोदी जी हर एक इंस्टीट्यूशन को कब्जा करना चाहते हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन कब्जा करना चाहते हैं। आर्म्ड फोर्सेस ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अभी तक उनके हाथ में नहीं पड़ा है, तो उसको तोड़ने के लिए मोदी जी ये कानून लेके आए, अग्निपथ पॉलिसी लेके आए। एंड मेरे सम्मानीय साथी ये कह रहे थे प्रधानमंत्री चर्चा नहीं किए पब्लिक से, स्पेशलिस्ट से, पार्लियामेंट से। मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूं वो ना ही आर्म फोर्सेस के चीफ से किए होंगे, ना ही राजनाथ सिंह से भी किए होंगे, ये मोदी जी अकेले डिसीजन लेते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा आग खेल खेल रहे मोदी जी। भारत में युवा ऐसे ही पीड़ित में है, बेरोजगारी हाईएस्ट है 45 साल में। जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूं, इंजीनियर्स पढ़े हैं ऐसे लोग बोलते हैं पत्थर फेंको किसी जानवर को लगेगा या बेरोजगार इंजीनियर को लगेगा। इसमें अब आर्म फोर्सेस में लेके आए हैं जिसमें ठेकेदारी करना चाहते हैं। 4 साल के बाद जो ट्रेंड युवा होंगे उन्हें हथियार चलाना भी आता होगा, गोली खाना भी आता होगा, गोली मारना भी आता होगा। आप सोचिए ये 75% युवा उस वक्त अगर नौकरी नहीं मिला तो वो फिर से अगर आंदोलन करेंगे तो यह हिंसापूर्वक आंदोलन होगा जो आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन ये तानाशाही की सरकार प्राइवेटाइजेशन करके हम आदिवासी आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं, एक एक इंस्टीट्यूशन को बेचना चाहते हैं। ये कभी रुकेंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम ये कसम खाते हैं संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। मोदी जी आपका ये जो मंशा है हर एक इंस्टीट्यूशन कब्जा करने का, जो आपका सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। 2024 में जनता तो आपको जवाब देगी ही देगी, लेकिन मैं यकीन से बोलता हूं आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। माफी वीर हो गए और निरंतर आप ये कानून वापस लोगे। यही बोल के मैं अपने पार्टी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम युवा के साथ खड़े हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं विनती करता हूं तमिलनाडु के वर्किंग प्रेसिडेंट, हमारे साथी मेंबर पार्लियामेंट भाई जय कुमार जी को कि आइए और अपनी बात संक्षिप्त में रखिए। Beloved Behenji, most distinguished leaders on the dais, my brothers and sisters, at the outset I thank for the opportunity. When Mr. Narendra Modi announced this Agnipath, I was not a disturbed person because I have been seeing him ever since he was in Gujarat, and you just see the track record of Mr. Narendra Modi. He started with Godhra, boarded the train there, killed the people as much as he wanted, created a communal unrest in Gujarat. Then he found a place through this communal unrest with his scheming
and his fraudulent thinking, he reached Delhi. Ever since he occupied the seat of power, you can see him that all his actions, all his programs, all his thinking is towards destruction of this country. He is a devil who has occupied the seat of power to destroy this country. And the first salvo from him was that, the demonetization. Through demonetization, he has broken the backbone of the economy of this country. Then he brought CIA, Citizens Amendment Act. He has broken the brotherhood of this country. Then he has brought the agricultural bills, wherein he wanted to make the agriculturists, the farmers, and the agricultural workers of this country as beggars before the corporate sectors. Now he wanted to destroy the future of the youngsters in this country, and therefore he has brought this Agnipath. This Agnipath, he will only demonstrate and destroy the future of the younger generation. But wrongly he has touched the farmers. He could not succeed in that. And now he has more wrongly touched the youth of this country. And the youth of this country will not rest unless he withdraws this. And Mr. Narendra Modi, Congress has the greatest responsibility to save this nation from the demon called Narendra Modi. And therefore, the need of the hour is, thinking the election is fast approaching, we have to stitch a very formidable opposition and see that this devil is thrown into the Arabian Sea near Gujarat. Thank you. Lok Sabha mein har waqt ladte rehte hamare Lok Sabha ke neta Adani bhai Adhiranjan Chaudhary ji se main binti karta hoon ki aaiye aur apni baat rakhiye. मंच पे विराजमान हमारे हर वर्ग के नेता और हमारे मीडिया भाइयों ने, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे पार्टी की प्रेसिडेंट आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी हिंदुस्तान की हर नौजवानों को तहे दिल से एक गुजारिश किए हैं कि हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार की ये जो अग्निपथ की योजना, ये दिशाहीन है. लेकिन देश की नौजवानों, आप हिंसा की बदले अहिंसा की रास्ते पर, हिंसा की बजाय अहिंसा की रास्ते अपनाते हुए अपना बात को रखने का कोशिश कीजिए. उनकी ये नसीहत को मान्यता देते हुए हम भी आज यहाँ ये सत्याग्रह, ये आंदोलन में शामिल हुए हैं. हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिनकी आज जन्मदिन भी है, इस जन्मदिन के अवसर में हम सब तो उनके शुभकामना जताते हैं, फिर भी उन्होंने हम सबको जश्न करने में मना किए हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान के नौजवान आज बेचैन है, दुख में है, परेशान में है. इस परेशानियां झेलते हुए नौजवानों को साथ में खड़ा है हमारे नेता राहुल गांधी जी. हम सब जो यहाँ जिन्होंने आज शामिल हुए हैं, और देश की हर कोने की, हर प्रांत की, हर मजहब के लोग, हम सबको हमारा फौजी के साथ एक एक भावनात्मक संपर्क है. हमारे फौजी के ऊपर हम गर्व करते हैं, हमारे फौजी पे हम मुरीद भी रहते हैं. आज वो फौजी की सपना देखने वाले हमारा नौजवानों को जिस तरीके से मोदी सरकार ने वंचित कर रहे हैं, इसके खिलाफ उनकी आक्रोश को
हम वाजिब समझते हैं और उनको साथ देना भी हमारा फर्ज, ये मान के ही हम चलते हैं। फौजी हमारे लिए क्या कहते हैं? फौजी हमारे लिए कहते हैं ये आजादी की शाम ना कभी होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम ना होने देंगे, बची रही एक बूंद लहू की तब तक ये भारत माता की आंचल को नीलाम ना होने देंगे, यही हमारा फौज की नारा है। ओ फौज में भर्ती होने के लिए हिंदुस्तान की जवान जब सपना देखते हैं वो सपना साकार करने के लिए दिन रात इकट्ठा मेहनत करते हैं, अंतिम में हम क्या करते हैं? उनकी सपना को मिट्टी में तब्दील कर देते हैं, उनकी सपना को हम ध्वस्त कर देते हैं और इसकी नाम है अग्निपथ। बहुत दिन पहले अमिताभ बच्चन की पिताजी ने एक कविता लिखी थी, हरबंग सिंह बच्चन साहब ने कि ये अग्निपथ, ये बीजेपी सरकार ने और बीजेपी के नेता मोदी जी और अमित शाह जी ने हर बात में तो रंगीला नारा वो जुटा लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन ये अग्निपथ आज सही महीनों में किसमें तब्दील होते हैं? देखिए ये अग्निपथ नहीं, हमारे हिंदुस्तान की बेकार नौजवानों को आज ये अपना सपना को, अपना तसल्ली को, अपना यकीन को आज मौत की घाट उतर रहे हैं, यही हमारा सबसे दुख की बात है। मैं दो तीन बड़े फंडामेंटल बात करना चाहते हैं। देखिए आज हिंदुस्तान की हालत क्या है, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान। बिपिन रावत जी कहते थे कि 2.5 फ्रंट में हमारा जंग होगी। इस समय में ये फौजी के साथ छेड़खानी करना किसी सरकार की फर्ज नहीं होना चाहिए, किसी सरकार की मकसद नहीं होना चाहिए, खासकर इस समय हमारे देश की नौजवानों के साथ छेड़खानी करना। सुधार की बात हम लोग बहुत सुने हैं, ये मोदी जी सुधार की नाम पे सपना तो दिखाते हैं, ये सपना दिखाया था डिमोनेटाइजेशन की, सपना दिखाया था जीएसटी की, सपना दिखाया था कृषि कानून की, अभी सपना दिखा रहे हैं अग्निपथ की। ये क्रांति के नाम पे वो कहते हैं हम देश को विकास करेंगे, लेकिन असलियत में क्रांति के नाम पे वो देश की विनाश करते हैं। इसके मिसाइल एक नहीं, एक के बाद एक हमारे सामने मोदी जी पेश किए हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही जाते हैं, आप जानते हैं कि आपके बाद मोदी जी की अग्निपथ के दौरान जो युवाओं ने भर्ती होगी फौज में, उनके लिए कोई अलग सुबह की कोई पहचान नहीं रहेगी। आज क्या होते हैं, आज रिक्रूटमेंट मेल पॉपुलेशन RMP कहे जाते हैं, हर स्टेट की अलग अलग हिस्सा रहते हैं, लेकिन इसके बाद अग्निपथ के दौरान ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई अलग अलग बटालियन नहीं रहेगी हमारे देश में। तो हमारी यह फेडरल स्ट्रक्चर है, ये संघीय ढांचा है, इसके ऊपर ये एक प्रहार करने जा रहे हैं। इसलिए हम सब ये आज की अग्निपथ की जो नारा लगाने वाला मोदी सरकार, उनको ये कहूंगा आप तो हर किसी से बात करना चाहते हैं, और नौजवानों से आप बात करो जो रास्ते में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वंचित होने के खिलाफ नारा लगाते हैं, आप उनसे मन की बात करो। आपकी फौजी जनरलों को, चीफ को आप मीडिया के सामने क्यों परेड कराते हैं? उनकी अपनी बात कहने दो, किसी से बातचीत आपने नहीं किया, अपनी मनमानी तरीके से ये कदम लेते हुए अब हिंदुस्तान को सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए हम नौजवानों के साथ खड़े हैं, उनकी जो आंदोलन समर्थन करते हैं और ये कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू अधीरदा। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। इस देश के इतिहास में जब जब भी मौका आया है, जिसे नारी तू नारायणी कहते हैं, वो महिला शक्ति ने
इस देश के इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके एक परिवर्तन किया है। मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती जिसकी कथनी और करनी एक है, वरना भाजपा में भी नेता देखते हैं ना, कहते कुछ हैं करते कुछ एक है, लेकिन यहां कथनी और करनी एक, कहा और उनके एक कहने से देश की करोड़ों नारियों में एक ताकत की गूंज उठी। लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं अब अनुरोध करता हूं प्रियंका जी को कि आइए और हमें संबोधित कीजिए। मंच पर उपस्थित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, मीडिया के मेरे साथी, आज सत्याग्रह के मंच पर खड़े हुए मैं इस देश के नौजवानों को कुछ कहना चाहती हूं। देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की, आप जैसे सैकड़ों नौजवानों से बात की। जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में 4 बजे सुबह गिरफ्तार होने वाली थी, तब भी मैंने सड़क पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुबह सुबह 4 बजे आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, ट्रैक्टरों पे बैठे हुए। मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी उम्मीद छूट गई है, खत्म हो गई है, सालों से हम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप ये मत भूलो कि ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इसे सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। हम यहां सत्याग्रह पे बैठे हैं क्योंकि सत्याग्रह सत्य की लड़ाई अहिंसा द्वारा लड़ी गई, अहिंसा के जो मार्ग पर चलकर लड़ी गई उस लड़ाई ने इस देश को आजाद किया, इस देश को आजाद करके आपको सौंपा ताकि आपका भविष्य बन पाए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि परिस्थितियों को समझिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, सरकार कैसे चल रही है, देश में क्या हो रहा है, उसको गहराई से समझिए। जो किसान के आंदोलन थे क्यों किए गए, किसान क्यों जागे, क्यों सड़क पर आए, क्योंकि वो समझे कि खून पसीना वो बहाएं, मेहनत वो करें, लेकिन उस मेहनत की कमाई किसी और को दी जा रही थी, ये सरकार उनके लिए नहीं चल रही थी। इसी तरह से मैं आपसे आग्रह करती हूं कि समझिए, ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है, ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है ये सरकार। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, और ये जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों कि बगैर सोचे समझे किया जा रहा है, ये सोच समझ के इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस सरकार का सिर्फ एक मकसद है, सत्ता में रहना, सिर्फ एक मकसद है, और उस मकसद को निभाने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। उस मकसद को निभाने के लिए वो बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे वो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को क्यों बेचे, आप बताइए क्यों बेचे, उसी मकसद को पूरा करने के लिए। आपको रोजगार मिलता था वहां से, आपको उन उद्योगों से, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापार से भी रोजगार मिलता था जो तकरीबन आज बंद कर चुके हैं ये, क्योंकि इनकी नीतियों ने, नोटबंदी ने, तमाम नीतियों ने, जीएसटी ने उनको भी बंद कर दिया,
और आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आपने हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र किया, उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कवि ने कहा है, वृक्ष हो भले खड़े घने, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा मांग मत, मांग मत, मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा, ऐसी स्कीम को जो इस सेना, इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों, नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जो भी आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। इस कर्तव्य को निभाने में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका साथ देगा। जय हिंद। अब मैं लालजी भाई से विनती करूंगा, वो कुछ नारे और कुछ बातें यहाँ पे बताएंगे और उसके बाद हमारे आगे की बात हम रखेंगे। साथियों, कुछ नारे जाने पहचाने हैं, वहीं से शुरू करते हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, और एक और है, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। अभी जो अग्निपथ को लेकर ही जो नारे बने हैं, उनका पहला जो शब्द मैं बोलूंगा, ना सुरक्षा ना पेंशन है, आप कहेंगे अग्निपथ एक टेंशन है। ना सुरक्षा ना पेंशन है, ना सुरक्षा ना पेंशन है। एक और है, महलों में दंगाई है, आप कहेंगे सड़कों पे सिपाही है। महलों में दंगाई है, अरे महलों में दंगाई है, अग्निपथ एक झांसा है, युवाओं को फांसा है। अग्निपथ एक झांसा है, अरे अग्निपथ एक झांसा है, सब लड़ेंगे लो शपथ। में जब कहूंगा तो आप कहेंगे षड्यंत्र है अग्निपथ, षड्यंत्र है अग्निपथ, सब लड़ेंगे लो शपथ, सब लड़ेंगे लो शपथ, सब लड़ेंगे लो शपथ।
और जब खेल होता है सपनों से, तो मैं जब कहूं क्यों खेल रहे हो सपनों से, आप कहेंगे क्या दुश्मनी है अपनों से। क्यों खेल रहे हो सपनों से, क्यों खेल रहे हो सपनों से। और हम भारत माता की जय का भी एक नारा जो ये सनातन संस्कृति के सिर्फ 3 बार के जयकारा करेंगे। मैं जब कहूंगा बोल लो भारत माता की, आप कहोगे जय जय जय, और फिर उसके बाद मैं कहूंगा कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। भारत माता को एक रखने के लिए हमारे हर वीर जवान इस देश की बॉर्डर पर जब अपनी जान की बाजी खेलते हैं तो हम ये दोनों नारे लगाएंगे, अरे बोल लो भारत माता की जय जय जय, अरे बोल लो भारत माता की कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। और इसी भारत माता की सुरक्षा के लिए लड़ने वाले जवानों पर और उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करे तो जब कांग्रेस पार्टी जो है और उसके लिए लगातार लड़ने के लिए तैयार रहे हैं। कोई और नारा, यही कंटिन्यू क्यों खेल रहे हो सपनों से, क्या दुश्मनी है अपनों से। क्यों खेल रहे हो सपनों से, अग्निपथ एक झांसा है युवाओं को फांसा है, अग्निपथ एक झांसा है, अरे अग्निपथ एक झांसा है। और जब लड़ाई लड़नी हो तो उसमें डर नहीं होता है, और इसीलिए कहते हैं ना डरे ना डरते हैं उनको गांधी कहते हैं, वो महात्मा गांधी से अभी तक का ना डरे ना डरते हैं, अरे ना डरे ना डरते हैं, ना सुरक्षा है ना पेंशन है अग्निपथ एक टेंशन है, ना सुरक्षा ना पेंशन है, अरे ना सुरक्षा ना पेंशन है। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, हमारे मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं, और देश की जनता की लड़ाई आजादी से पहले भी कांग्रेस लड़ी थी और देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम। मैं सभी से विनती करूंगा कि अपनी जगह पे खड़े होंगे, राष्ट्रगान होगा। सभी सावधान होंगे, प्रेड सावधान, राष्ट्रगीत शुरू करेंगे, शुरू कर। मंग दीनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है आजाद हिंद कौमी नारा वंदे मातरम।